मैं विक्रम पटवाल आज लॉकडाउन के 14वें दिन पौड़ी गढ़वाल के कलजीखाल ब्लॉक के थापली गांव में पहुंचा हूं। थापली गांव में आज हम यहां कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन में उनके गांव में कैसी स्थिति है, क्या है, ये सैनिटाइजर मास्क के बारे में पूछना चाहूंगा। तो मेरे साथ इस टाइम ग्राम प्रधान जी हैं। तो ग्राम प्रधान जी, रानी आपका नाम? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शासन द्वारा जो आपको मास्क, सैनिटाइजर या अतिरिक्त सामग्री जो मिली थी सफाई सफाई की, तो वो उचित मिल गई थी या कुछ कमी थी उसमें? तो गांव में सबको आपने इसके बारे में बताया कि मतलब लॉकडाउन में लोग अपने घरों में रहें, घरों से बाहर न जाएं, इस बारे में पूरी जानकारी दी आपने? हाँ जी, बता रखा है सारे गांव को। तो सारे गांव वाले आपकी पूरी बात मान रहे हैं? हाँ जी, मान रहे हैं। तो दूरी बना के रखे, अगर जाए भी कहीं तो दूरी बना के रखे। अच्छा अच्छा, आप आजकल इधर उधर गाँव बाहर से लोग आ रखे हैं, तो आपके गाँव में भी कोई लोग आ रखे हैं बाहर से? हमारे गाँव में पहले आ रखे थे, उनकी हमने लिस्ट दे दी है। तो वो लोग घर में हैं कि अभी गांव में घूम? नहीं नहीं, घर ही पे है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस टाइम मैं थापली में हूँ और मेरे साथ हैं पीताम्बर सिंह पटवाल जी, वो पूर्व प्रधान जी है, पूर्व क्षेत्र पंचायत हैं, पूर्व कनिष्ठ प्रमुख भी रह चुके हैं, और उनसे मैं पता करना चाहूँ कि कोरोना बीमारी के बारे में उनकी क्या राय है और गाँव में उनके द्वारा क्या सुझाव दिए जा रहे हैं। कोरोना बीमारी तो अभी नहीं नहीं, ये चिकित्सालय द्वारा बताई गई है, तो रही होगी पूर्व में भी, क्योंकि पूर्व में भी कई बीमारियां आती थी, और जहां तक आज कोरोना बीमारी है तो लोग अभी जागरूक हो चुके हैं, वैसे ज़्यादा समझाने की किसी को ज़रूरत नहीं है, साफ सफाई का सब ख्याल रख रहे हैं। और यहां पर तो हमारा जो क्लाइमेट है ऑलरेडी हमारे लिए मतलब फायदेमंद है, परंतु जो दूर दराज ये हमारे नौजवान गए हैं कम वेतनों पे, वो बाहर रह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा परेशानी हो रही होगी, परंतु अब शासन का आदेश है उसका, वो भी पालन कर रहे हैं, हम भी पालन कर रहे हैं। तो आपके जैसे आपका ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ पे सामान की सप्लाई की या राशन पानी सब्जी सब्जी की इस चीज़ की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? पूर्व में तो थोड़ी पहले परेशानी हुई थी लोगों में, थोड़ा एक प्रकार का हाइपर टेंशन टाइप का हो गया था कि भाई अब नहीं आना है सामान, परंतु फिर शासन ने जो है अपनी जो जरूरी सामान के लिए मतलब छूट दी है, सामान आ रहा है, वो थोड़ा कुछ ब्लैक रेटों पे भी मिल रहा है, वो अभी यहाँ से तो नहीं है, नीचे से आ रहा है, तो अब क्या करें, जिसको जरूरत होगी वो लेगा। मैंने भी मतलब शासन से कई बार कहा कि भाई इस पे अंकुश लगाया जाए, परंतु शासन ने अपना मतलब इस पे कदम उठाया है या नहीं उठाया ये वो जानी है। तो आप अपनी स्वस्थता का राज बताएंगे, आप जैसे जिस तरह इस उम्र में भी पूरे स्वस्थ है, तो लोगों को आप अपने संदेश देना चाहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए क्या करें? भाई स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले प्रकृति के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जो आयुर्वेद था पहले, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे वो जंगलों में रहते थे, वो यहाँ का शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध अन्न लेते थे, उसके कारण वो स्वस्थ थे और निरोग थे। हमने भी अपना ये मतलब 62वां हमारा पड़ाव है उम्र का, परमात्मा की कृपा से हमने काफ़ी दुख झेले गए हैं इससे पूर्व, परंतु उनसे उबर चुके हैं, आज हमें इस बीमारी से कोई भय नहीं है, कारण कि हम जानते हैं कि जन्म जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो उसको कोई बीमारी भी मतलब चाहे महामारी भी आएगी, जब तक हमारा जीवन लिखा है भगवान ने वो हमको भोगना ही पड़ेगा। और अगर हम इतिहास उठा के देखें तो इससे पूर्व में भी कई आपदाएं आई हैं,
कई महामारियाँ आई हैं, पहले हैजा होती थी, प्लेग होता था, चेचक होता था, तो उस पर सरकार ने अनुसंधान किया है, उस पर रोक लगाई है। आज हमारे भारत में जो है इस पर हानि कम हो रही है, इसका एकमात्र कारण ये है कि हमारे यहाँ जो ये BCG का टीका लगता है उसकी वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हम लोगों की बढ़ चुकी है। और अन्य देशों में हम जो विकसित देश हैं वहाँ देख रहे हैं मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? उनका खान पान उसी प्रकार का है, वो बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, इसकी वजह से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। हम प्रकृति का अनाज खा रहे हैं, हमारे यहाँ हल्दी मिर्च या जो मसाले हैं वो नित्य ही हम सेवन करते हैं, इसके कारण हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी है। और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पहाड़ में तो इतना भय है नहीं, परंतु जो आप अभी सुन रहे हैं कि ये तबलीगी जो कौम मतलब जमात के लोग हैं ये थोड़ा इस प्रकार से कुछ इसका प्रादुर्भाव कर रहे हैं, ज़्यादा फैला रहे हैं, तो उससे हमें सावधान रहना पड़ेगा, अपने सभी लोगों को समझाना पड़ेगा। प्रधान जी से बोलूँगा मैं कि लोगों को समझाइए आप कि कोई भी अपरिचित आदमी आता है उसका आप आधार कार्ड जरूर चेक कीजिएगा, कौन है, क्या है, किस बेस से आ रखा है वो। गांव के अंदर कोई भी अपरिचित आदमी घुसता है क्षेत्र में उसकी अपना बचाव स्वयं करना चाहिए, क्योंकि कहा है गॉड हेल्प अस हू हैज़ गन सेल्फ, यानी भगवान हमारी सहायता करने के लिए आने लगे, हमें अपनी सहायता स्वयं करनी पड़ेगी। अगर हम अपनी सहायता नहीं कर सकते तो भगवान हमें नहीं बचा सकता। अब आज हम हमारे दर्शकों को आप लेकिन आपका कोई विशेष संदेश जो कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए? संदेश ये है कि हम सच रहे, जो हमारी पुरानी पारंपरिक आयुर्वेद की जो पद्धति थी उसके अनुसार हम चलिए। हमारे प्राचीनतम में हमको पहले भी आइसोलेटेड रखा जाता था, कैसे रखा जाता था, हमारा प्रसव होता था तो हम 20-21 दिन जो है अलग ही उस सूतिका पर रखते थे। आज मॉडर्न हो गई, पाश्चात्य संस्कृति में आ गई, दूसरे दिन हम सूतिका को अंदर प्रवेश करवा दे रहे हैं, उससे तो और ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। मान लो सफाई है पर फिर भी पॉल्यूशन तो है ही, क्योंकि जब शराब वगैरह तो होता ही है ना। बाकी क्या है, अब हमें अपनी प्राचीन परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए, विकास तो होना चाहिए, विकास के लिए तो हमें प्रयास करना चाहिए। विकास आज का नहीं, विकास तो ये बहुत पुराना है, बीच में हम भूल गए गुलामी की वजह से, नहीं तो ये विकास इससे भी पहले बहुत चरम सीमा पे था। अगर हम शास्त्रों को उठा के देखें तो ये जो आज का विकास है इससे भी बहुत चरम सीमा तक विकास था हमारा। जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं कि एक आदमी एक किसी बाण को छोटा था या मतलब कोई एटॉमिक एनर्जी को छोटा था तो कहीं तहस नहस होता था, आज वही मतलब ये पूरा मिशन लगता है उसके। दूसरा ये जो बीमारियां थी अगर हम उठा के देखें देवी भागवत महापुराण को शिव पुराण को तो उसमें भी इनका वर्णन है, ये परमात्मा की तरफ से भी कुछ हम लोगों के कर्मों की वजह से हमें दंड मिलता है। आज हम बोल रहे हैं साथ ही ये वायरस मैं तो बोल रहा हूँ ये भगवान का करुणा अवतार है, करुणा अवतार ऐसे है कि आज हमारे जो पशु पक्षी जो है उनकी हत्याएं थोड़ा कुछ रुकी है, मैंने देखा उस दिन से जानवरों की हत्या रुकी है, लोग थोड़ा परहेज कर रहे हैं कि भाई जहां तक आज हमारे नेता लोग भी भीड़ भाड़ करते थे इकट्ठा तो वो भी डर रहे हैं, ज्यादा तो नेता डर रहे हैं आज, हम तो स्वतंत्र हैं भगवान की कृपा से, परंतु नेता आज इतने भयभीत हो रखे हैं कि कहीं करोना मुझे ना हो जाए, तो मैं तो इसको एक करुणा अवतार मानता हूँ। और ये कभी कभी भगवान का एक अपना रूप आना चाहिए जो कि हमारे लिए एक मतलब नीति निर्देशन दे सके कि भाई इतनी भी धन संचय मत करो। अभी हम देख रहे हैं वीडियो इटली में ये कोई 32 मंजिल से कूद रहा है सेठ, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, उसका पैसा कोई जो है जमीन में फेंक दिया और अपने आप ही वो 32 मंजिल से कूद रहा, तो ऐसा ही होना चाहिए भगवान की तरफ से। अगर हम अनैतिक तरीके से धन संचय करते हैं, नैतिक तरीके से तो बढ़िया है, परंतु अनैतिक तरीके से धन संचय करते हैं तो भगवान ये दंड हमें जरूर देना चाहिए, मेरा तो यही सुझाव है।
और हमें अभी इस बीमारी से सबक लेना चाहिए कि हम नैतिकता की तरफ चले, हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं उनका हम अध्ययन करें। और बाकी क्या है, ये हमारी मतलब प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसका भी हमें अनुपालन करना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर हम, धरती में जो हमारी भारत माता है वो भारत माता किसी जमीन से नहीं है, वो यहाँ की जनता से है, यहाँ की सुख समृद्धि से है। जब ये फले फूलेगी तभी हमारी कुछ विरासतता है। और यदि हम सोचते हैं, हमारा कोई एक अधिकारी है, नेता है, ये सोचे कि हम ही संपन्न रहे तो ये अच्छा नहीं है। हमने चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी भगवान से प्रार्थना यही करते हैं कि आपने हमें थोड़ा ये चेतना दी है, हमें चेताया है कि भाई ये भी हो सकता है, हम अभी भी सुधरें और अपने नीति का पालन करें, नैतिकता का पालन करें। मेरा सबको यही संदेश है और सब अपनी अपनी जगह में सुखी रहें, जो सरकार द्वारा भी बताए गए नियम हैं उनका भी पालन करें, कुछ हमारी जो नैतिकता है उन ग्रंथों में पढ़े उसके अंदर सब दिखाया गया है। सबसे हमने मलमूत्र करना है, उसके बाद हाथ धोने। इसीलिए हमारे यहाँ पहले प्राचीन काल में क्या था, जनेऊ था, जनेऊ हम कान में रख देते थे, कान में रखते थे तो जब तक हमने हाथ पांव नहीं धोए तब तक हम किसी चीज़ का सेवन नहीं करते थे। भाई हम मल गए हैं तो हमें अपना चोटी खोल के रखना पड़ता था कि जब तक हम बिल्कुल शुद्ध नहीं हुए, नहाए धोए नहीं, तब तक हम चोटी नहीं बांध सकते थे। यही है कि हमारे पास तो ये तो आज हमको विज्ञान अब सिखा रहा है, हम तो पहले से, हमारे ग्रंथों में पहले से लिखा हुआ है साहब, जो काम हम आज कर रहे हैं वो हमारे ग्रंथों में कहीं अरबों साल पहले लिखा गया था। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने आपका अगर अनैतिक बोल दिया हो किसी के लिए, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और मेरा ये सुझाव सभी के लिए, चाहे हमारे नेता हो, आज जो हमारी गरीब कल्याण योजनाएं चल रही है वो गरीबों तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके पीछे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं तो यही बोलता हूँ कि वो अगर हमने मिशन बनाया है कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, तो जो हमारा हमारे दानी दाताओं ने जो भी धन दे रखा है वो हमारे उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन लोगों के लिए उन्होंने दे रखा है, उसके ऊपर कोई बंदरबान नहीं होना चाहिए, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसमें हमारे अधिकारी नेतागण जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको पैनी नजर रखनी चाहिए, बस यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्रम पटवाल, कैमरामैन जयेंद्र नेगी के साथ थापली गांव। जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष के अंदर, भारतीय नहीं पूरे विश्व के अंदर एक वैश्विक महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस समय मैं गांव की बात करूंगा। ग्राम सभा, कई ग्राम सभाओं में मेरा जाना हुआ और ये पौड़ी जिले की मैं बात कर रहा हूं। प्रधान चूंकि ग्राम सभा का इकाई व्यक्ति होता है और उसने व्यवस्थाएं गाँव की देखनी होती हैं। अक्टूबर 2019 में प्रधानों को दायित्व मिला, उनको जिम्मेदारियां मिली, लेकिन उनको अभी तक वित्तीय पावर उनको नहीं दी गई। जिस तरीके से उन्होंने, कई प्रधानों से मेरी बात हुई है तो वो ये कहते हैं कि मैंने पैसे को अपने जेब से लगाया है। और दुर्भाग्य ये है कि जहां से पैसा आना था, एक इंडोसेंट बैंक जो कि पौड़ी में है, जो ये कहता है कि यहाँ पर कुछ तकनीकी व्यवस्थाओं के रहते हम खातों में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसमें कई पंचायत मंत्री, अधिकारी, प्रधान सब परेशान हैं। दूसरी तरफ आशा कार्यकर्ता है जो कि कहा गया है सरकार के द्वारा कि 5,000 रुपये इनके खातों में दिया गया है, लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है कि 5,000 रुपये में कहां से सामान खरीदें। उनको कहा गया कि आप 5,000 रुपये लेके सैनिटाइजर और मास्क और जो गाँव में जो दवाई है उसका छिड़काव कराएं। गांव की जो आशा कार्यकर्ता है या प्रधान है, ये कहाँ से खरीद के लेके आएगा? आपने ना ही इनको गाड़ियों की परमिशन की हुई है, ना ही आप कहीं यहाँ जो पहाड़ों में जो केमिस्ट शॉप है, ये दवाइयों की दुकानें हैं, ना वहाँ सामान मिल पा रहा है, ना कोटद्वार तक मिल पा रहा है, ना श्रीनगर में मिल रहा है, ना पौड़ी में मिल रहा है। आखिर ये लोग सामान की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? सरकार को करना चाहिए था, सामानों को हर ब्लॉक स्तर पर पहुँचाना चाहिए था जहाँ से ये व्यवस्थाएँ बन सकती थी। दुर्भाग्य का विषय है कि आज मैं नौगों खाल रहा और सरकारी हॉस्पिटल में मेरा उधर जाना हुआ, 1 बजे सरकारी हॉस्पिटल बंद था। एक बहुत वृद्ध
महिला थी जो कि जिनका बीपी लो हो चुका था, बहुत परेशान हो रही थी और पिछले दो दिनों से भी बीमार थी, लेकिन वहाँ सरकारी हॉस्पिटल बंद होने के कारण उसको कहीं से ऐसी फर्स्ट एड करना पड़ा। ये बड़ा दयनीय व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, तो इस समय सरकार को इस व्यवस्था को देखना बहुत जरूरी है। जातरानंद पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।